हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन आपके लिए 11th एडमिशन की जो सीरीज चल रही है उसका खास अपडेट आज लेके आया हूँ कि हाउ टू प्रोसीड फॉर एडमिशन। जो है प्रेस हो गया बटन गलती से, उसको कैसे हम लोग जो है हमने कॉलेज चूज कर लिए, हमको नहीं चाहिए था फिर भी हमने प्रोसीड कर लिया, तो उसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन आईडी पेज पे जाना है, 11thadmission.org पे जाना है, पुणे पिंपरी रीजन पे जाना है और आपको जो है कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको जो है पेज आपका खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड के सामने आपको देखिए अलॉटमेंट ऑफ द स्टेटस और चेक अलॉटमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। वहां पे रेगुलर राउंड वन होगा। रेगुलर राउंड वन पे आप चेक अलॉटमेंट स्टेटस करेंगे, जहां पे आपके पूरा नाम, आपका पूरा एडमिशन, कॉलेज का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सीनियर कॉलेज है। अब देखिए ये बच्चे ने जो है अभी तक प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं किया है, इसका मतलब उसको नहीं चाहिए। लेकिन कभी किसी कोई बच्चे ने अगर ये प्रोसीड फॉर एडमिशन कर देता है तो वहां पे तीन चीजें लिखकर आती है, जहां पे प्रोसीड फॉर एडमिशन लिखा हुआ है। देखिए चेक रीजन फॉर नॉट एडमिटेड, चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड एंड प्रोसीड फॉर एडमिशन, उसके बाजू में लिख के आता है कि प्रिंट ऑप्शन आता है, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स भी आता है, और अगर आपने प्रोसीड कर लिया है तो वहां पे आएगा अंडो प्रोसीड फॉर एडमिशन। क्या आएगा? अंडो प्रोसीड फॉर एडमिशन। यहाँ पे एक जो है आपके ऊपर ऑप्शन फिर से खुल जाएगा, एक टूल खुल जाएगा। तो आपको जो है कुछ नहीं करना है। अगर देखिए अगर गलती से क्या हो रहा है, काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि वो जो है ऑटोमेटिकली जो है अलॉट कर दे रहे हैं और बच्चों का जो है एडमिशन कंफर्म कर दे रहे हैं। उस केस में क्या करना है, कंफर्म आपने कुछ नहीं किया, अलॉटमेंट सिर्फ दिया है, लेकिन आपने काफी सारे कॉलेजेस का फॉर्म भरना होता है, उनके वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है वहां पे, लेकिन आपको रिजर्व बता रहा है कि आपका एडमिशन बता रहा है प्रोविजनल एडमिशन की लिस्ट में, उसका आपका नाम डालते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है कॉलेज की लिस्ट में, जाना है अलॉट एडमिशन समरी में जाना है। उसके अंदर जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया है रेगुलर राउंड वन में और यहाँ पे नॉट एडमिटेड दिखा है, इसका मतलब आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं है, कॉलेज अथॉरिटी ने आपका एडमिट नहीं किया है। कोई कोई कॉलेजेस ऐसे है कि वो एडमिट कर दे रहे हैं, लेकिन उसको उसके चलते अगर आपको एडमिट दिख रहा है तो आपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाके अथॉरिटी से बात करनी की है कि हमने जो है कुछ कोई फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, फिर भी हमको जो है यहाँ पे एडमिट दिखा रहा है, तो प्लीज हमारा जो है नाम यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप नाम नहीं निकालते हैं तो आपका सेकेंड और थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आएगा, एलिजिबल आप नहीं होगे, तो नेक्स्ट लिस्ट के लिए, नेक्स्ट कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। इसके लिए आपको जो है यहाँ से नाम निकालना बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैं ये वीडियो आपको बताया हूँ, तो देखिए, लाइक कीजिए, कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। से सेफ से हेल्दी, थैंक यू सो मच।